वही नवंबर है, वही चीन है, वैसी ही सर्दी, वैसी ही बीमारी, वैसी ही इमरजेंसी, वैसी ही त्रासदी है, वैसी ही आफत है, अस्पतालों में मारामारी, लेकिन इस बार संकट मासूमों की सांसों पर है। इस बार बच्चे तड़प रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े फूल रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के सबसे घातक आक्रमण से साक्षात्कार कर चुके लोगों के मन में ये डर है कि क्या इस बार कोरोना वायरस के बेबी वर्जन ने दस्तक दी, क्या चीन के लैब से फिर किसी वायरस का विस्फोट हुआ है, क्या दुनिया पर फिर नया वायरस संकट आने वाला है। इन डरावने सवालों का आधार है ये दर्दनाक दृश्य जो ड्रैगन के घर से आया है। मुंह पर मास्क लगाए अस्पतालों में लगी ये लंबी कतार जो अपने कलेजे के टुकड़े को नई जिंदगी देने के लिए लगी है। बीजिंग के अस्पतालों में मरीजों से बेड अटे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे बेड पर पड़े हुए हैं, कहीं भी जगह नहीं बची। स्कूल जाने वाले बच्चों में बीमारी सबसे ज्यादा हुई है। स्थिति यह है कि बीजिंग और उसके करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। बीजिंग के अलावा लियोनिंग और आसपास के इलाकों में अस्पतालों में भी जबरदस्त भीड़ है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि ठीक कोरोना वायरस की तरह ड्रैगन इस बीमारी को भी छिपाने की कोशिश कर रहा है। चीन की सरकार खुलकर इसके बारे में नहीं बता रही, सिर्फ इतना कह रही है कि सांस से जुड़ी एक बीमारी फैल रही है जो बच्चों पर स्ट्राइक कर रही है। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में ये रहस्यमय बीमारी हो रही है उनके फेफड़ों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तेज बुखार आता है, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। इसके लक्षण निमोनिया से भी अलग है। ये रहस्यमय बीमारी बेहद तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने इस रहस्यमय बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड नाम के सर्विलांस प्लेटफॉर्म के पास भी ये जानकारी नहीं है कि ये बीमारी बच्चों में कब से फैल रही है। ये भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि क्या ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है या बुजुर्गों या युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है। लेकिन जिस तादाद में ये बच्चों को बीमार कर रही है उससे ये साफ संकेत है कि ये फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि जो बच्चे बीमार हुए हैं उनसे दूरी बनाने के लिए कहा गया, मास्क पहनने के लिए बोला गया, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि ये बीमारी किसी वायरस की वजह से फैल रही है या फिर इसकी कोई और वजह है, क्योंकि चीन ठीक उसी तरह इस बीमारी को छिपा रहा है जिस तरह कोरोना वायरस के बारे में चुप्पी साध कर पूरी दुनिया में उसका निर्यात कर दिया था। 2019 में यही नवंबर का महीना था जब हुबेई प्रांत के वुहान में पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिला था। धीरे धीरे ये वायरस पसरने लगा, अस्पताल भरने लगे, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध ली, किसी को भी कुछ नहीं बताया और इसी का नतीजा है कि वुहान से निकला वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कातिल कोरोना के कोहराम से समूची दुनिया कांप गई थी। ऐसी वैश्विक त्रासदी पीढ़ियों ने नहीं देखी थी। लोगों की सांसें फूल रही थी, अस्पताल शव उगल रहे थे, शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची थी, अंतिम संस्कार के लिए भी कतारें लगी हुई थी, पूरी दुनिया दो गज की दूरियों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। दुनिया में मौत का सन्नाटा पसरा था, हर रोज लाखों जिंदगियां दस्तावेज बन रही थी। दुनिया भर में 69,81,48,421 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। कोरोना की वजह से 69,41,953 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। करीब करीब दो बरस तक सब कुछ ठप सा हो गया था। दुनिया के अलग अलग देशों में किश्तों में लॉकडाउन रहा। बीजिंग में ही लोगों को बांध कर रखा गया, पीट पीट कर लोगों को बीच सड़क से उठाया गया, जबरदस्ती आइसोलेशन कैंप में रखा गया, टीकाकरण करवाया गया। फिर भी चीन ने अपना गुनाह कबूलने से इनकार कर दिया। अमेरिका के सबूत देने के बावजूद ड्रैगन ने कोरोना को अपना पाप नहीं माना। फिर एक बार कमोबेश वैसी ही स्थिति, छोटे छोटे बच्चों की सांसों पर आई आफत के बारे में चीन खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। अलग अलग अस्पतालों में बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन चमगादड़खोर ड्रैगन इसको लेकर चुप। WHO ने चीन से पूछा है कि सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी कैसे हुई, बच्चों में हुई इस रहस्यमय बीमारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए आधिकारिक अनुरोध किया है। साथ ही गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया है कि चीन में लोग सांस संबंधी बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण करवाएं, बीमार लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें, बीमार होने पर घर में एकांत में रहें, जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं, डॉक्टर की सलाह लें,
उचित रूप से मास्क पहने और नियमित रूप से हाथ धोएं। कर्तव्य के नाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रस्म अदायगी के तौर पर जो कहा है उसका भी संकेत बहुत साफ है। ये विस्तार होने वाली बीमारी और वायरस की ओर इशारा कर रही है। चीन ने भी माना है कि कोरोना प्रतिबंध हटने, इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड के चलते बनने वाले वायरस की वजह से ये बीमारी फैली है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस के बेबी वर्जन ने डरावनी दस्तक दे दी है?